हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर में बड़ों का आदर करते होंगे, खूब सारी पढ़ाई करते होंगे और पौष्टिक खाना भी खाते होंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अब आपकी अपनी कक्षा में, हिंदी की कक्षा में, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक तरंग पाठ्य पुस्तक बाई अमित पब्लिशन से। आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं एक बहुत सुंदर कविता, और कविता का नाम है ऋतुओं का स्कूल, पार्ट 8। बच्चों, ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप मौसम से संबंधित एक चित्र बनाना है और उसमें आपको ये बताना है कि ये मौसम आपको क्यों पसंद है। कोई सा भी चित्र बनाएंगे और उसमें ये भी लिखेंगे आपको मौसम क्यों पसंद है। ठीक, प्रस्तुत कविता में सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण धरती पर पहुंचती है तब धरती और वातावरण में हुए परिवर्तन के बारे में बताया गया है। इस कविता में यही बताया गया है, जब धरती और वातावरण के में जो परिवर्तन होता है उसमें इस कविता के बारे में बताया गया है, जब धरती और वातावरण में परिवर्तन के बारे में। आइए शुरू करते हैं और देखिए चित्र कितना सुंदर चित्र बना है। फूल भी है, तितली भी है और ये देखिए हरी हरी घास भी है। पोस्टमैन है सूरज चाचा, पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती, पाती मतलब चिट्ठी पत्री, ठीक समय पहुंचाता है, सब जगह ठीक जगह पहुंचाते है, सारी सूरज की किरणें सबके पास पहुंचती है ना। तो पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती, ठीक समय पहुंचाता है। चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी, गीत सुनाती प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाशवाणी। मौसम का हाल इसी से हमें पता चल जाता है, चूचू चूचू चिड़िया से किसे पता चलता है? आकाशवाणी का काम कौन करता है? चूचू चूचू चिड़िया रानी। ऋतुओं का स्कूल खुला है, नहीं पढ़ाई यहाँ बला है, हल्का बहुत हवा का बस्ता, धूप छांव का पाठ चला है, क्लास छूटती जब रिमझिम की, घंटा मेघ बजाता है। यानी कि जब हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि कैसा मौसम है, और जब रिमझिम रिमझिम आती है तो हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो बरखा यानी कि वर्षा ऋतु का मौसम आ गया है। शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से। यानी कि अब बसंत का मौसम भी है क्योंकि सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं। हिलमिल कर यूं हंसते गाते सारा दिन कट जाता है, रात में जब अंधेरा छाया हर आहट ने हमें डराया, चौकीदारी मुस्तैदी से चंदा मामा करने आया, निंदिया वाले बैंक में अपने सपनों का एक खाता है। वाह, कितनी अच्छी कविता थी ना, कितनी अच्छी कविता थी। और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द, पोस्टमैन, मौसम, चौकीदारी, सुबह, ऋतुओं, मुस्तैदी, द्वार, धूप छांव, निंदिया, किरणें, बस्ता, बैंक, आकाशवाणी और इंद्रधनुष। और अब हम करने जाएंगे, क्या करेंगे? शब्दार्थ। हमेशा की तरह सुबह का अर्थ है सवेरे, द्वार का मतलब दरवाजा, आकाशवाणी यानी कि स्वर्ग का संदेश, बस्ता बैग, अंधियारा यानी अंधेरा, चौकीदारी रखवाली करने वाला, निंदिया नींद, और मुस्तैदी यानी कि तेजी से। ये हमने क्या करे थे? ये हमने करे थे शब्दार्थ। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमसे पूछा गया है ऋतु परिवर्तन का जीवन किन क्षेत्रों पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन का जीवन वातावरण और पृथ्वी के जीवन के क्षेत्रों पर पड़ता है। जब वातावरण चेंज होता है तो हमें ऋतु और पृथ्वी पर वातावरण जब चेंज होता है बदलता है तो हमारे इन जीवन क्षेत्रों पर पड़ता है।
गर्मी में लोग किससे पीड़ित हो सकते हैं? गर्मी में लोग जो हैं बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे उससे हम लोग पीड़ित हो सकते हैं। गर्मी में लोग किससे पीड़ित होते हैं? जब गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से लोग पीड़ित हो सकते हैं। कविता के अनुसार मौसम का हाल कैसे पता चलता है? कविता के अनुसार मौसम का हाल पता चलता है सुबह सुबह जब सूरज चाचा जो है किरणें फैलाते हैं, तो इसका मतलब सुबह हो गई, और जब दोपहर में हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो क्या होता है, पता चल जाता है हल्की सी गर्मी है, और शाम को जब बच्चे तितली के साथ खेलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि इस टाइम बसंत जैसा मौसम है, बसंत जैसा है। और दोपहर में जब रिमझिम बारिश होती है, तो क्या पता चलता है, तो पता चल जाता है कि वर्षा का मौसम है, बारिश का मौसम है, बरखा रानी का मौसम है। तो इस हिसाब से कविता के अनुसार हमें मौसम का हाल पता चल जाता है। और अब हमसे पूछा है सही विकल्प पर हमें किसका निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। कविता में पोस्टमैन किसको कहा गया है? सूरज को, चंदा को, हवा को या पानी को? कविता में पोस्टमैन बोला गया है सूरज को, क्योंकि वो सुबह सुबह उठते हैं और अपनी किरणों को सबके घरों में पहुंचाते हैं, तो इसलिए कविता में पोस्टमैन सूरज को बोला है। आकाशवाणी क्या है? भौरे का गाना, फूलों की महक, चिड़िया के गीत या शेर की धार? आकाशवाणी है चिड़िया के गीत, वो चू 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 गाती है। किसका पाठ चला है? उजाले का, अंधियारे का, धूप छाँव का या किसी का? नहीं, पाठ चला है धूप छाँव का, तो हमने धूप छाँव के आगे सही का निशान लगा दिया। अब है कविता की पंक्तियों को पूरा करना। को खेला करते हम सब, इसमें क्या आएगा? शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे, कौन से होते, क्या रंग बिरंगे होते? रंग बिरंगे फूलों से, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रंग बिरंगे फूलों से। सुंदर सुंदर क्या थी? सुंदर सुंदर बच्चों, सुंदर सुंदर तितलियां थी, तो सुंदर सुंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुंदर सुंदर तितली के संग, और के झूलों से, किसके झूलों से? इंद्रधनुष के, इंद्रधनुष के झूलों से। हिलमिल कर यूं, हिलमल हिलमिल कर यूं हंसते गाते, हिलमिल कर यूं हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। अब एक बार फिर से हम दोहराएंगे। शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से। हिलमिल कर यूं हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। और हमने क्या किया, हमने अभी कविता की पंक्तियों को पूरा किया था, और अब क्या है, वाक्यों के सामने सही या गलत का हमें चिन्ह लगाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सूरज चाचा डाक सुबह की लाता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, तो हमने इसके आगे सही लगा दिया। चिड़िया प्यारे गीत सुनाती है, जी हाँ चिड़िया चू 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 करके बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनाती है, तो हमने यहाँ पे भी सही लगा दिया। घंटा रिमझिम बजाता है, जी हाँ घंटा रिमझिम बजाता है, तो हमने यहाँ पे भी सही लगा दिया। झूला इंद्रधनुष का है, बिल्कुल सही, झूला इंद्रधनुष का है। चंदा मामा सुबह आए, गलत, चंदा मामा तो कब आते हैं, चंदा मामा तो रात को आते हैं, तो इसके आगे हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सूरज चाचा क्या काम करते हैं? सूरज चाचा पोस्टमैन का काम करते हैं, यानी कि वो सुबह सुबह उठते हैं और अपनी किरणें, जैसे पोस्टमैन सुबह सबके घर में चिट्ठी डालता है, ऐसे पोस्टमैन किरणें अपनी जो है वो सबके घरों में बिखेरते हैं। चिड़िया रानी क्या क्या करती है? चिड़िया रानी चू 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 करके बहुत मीठा मीठा गाना गाती है, जैसे आकाशवाणी की तरह, तो इस तरह चिड़िया रानी मीठा मीठा गाना गाती है। रिमझिम की क्लास छूटने पर घंटा कौन बजाता है? रिमझिम की क्लास छूटने पर घंटा मेघ बजाता है, जो बादल है मेघ बजाता है। शाम को हम किस किस के साथ खेलते हैं? शाम को हम तितलियों के साथ खेलते हैं।
रंग बिरंगे फूलों के साथ खेलते हैं और हम सब लोग मिलकर खेलते हैं। हमें रात को किससे डर लगता है? हमें रात को अंधियारे से डर लगता है। किससे डर लगता है? जब अंधेरा हो जाता है तो हमें रात को अंधियारे से डर लगता है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी सी पोएम ऋतुओं वाली यही समाप्त होती है। मैं आपसे चाहूँगी कि इस कविता को आप सब बच्चे कंठस्थ करें, याद करें। तो चलिए, इसके साथ आज का पाठ समाप्त हुआ। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।